हेलो गाइस, मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ खबर आउट में। आज हम लोग आपके सामने एक ऐसे डॉक्टर का मामला लेके आए हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने एक ऐसी मशीन का जुगाड़ लगाया है जो कि एक्चुअली में इमरजेंसी में लोगों को ऑक्सीजन दे रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये पूरी लेटेस्ट अपडेट, जिसके बारे में जान के आप लोगों को काफी ज्यादा हैरानी और काफी ज्यादा आप लोग खुश भी होंगे कि आखिरकार कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मरीजों के बारे में सोच रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जहां पर ऑक्सीजन एक्चुअली में 2 से 3 हजार रुपए में मिलता था, आज जब कोरोना वायरस के समय पे मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है 30 से 40 हजार रुपए में बिक रहे हैं, जहां पर काला बाजारी की जा रही है। तो सरकार क्या कर रही है, मरीजों को क्यों नहीं बचा रही है, क्यों ऑक्सीजन इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं? जब बाहर की फॉरेन कंट्रियां भी हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और वैक्सीन भेज रही है, तो मरीज अभी भी क्यों मर रहे हैं, क्यों एक्चुअली में उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही सरकार से? आज हम लोग ये सवाल पूछते हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले से हमारे सामने ये मामला आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर ऐसे हैं जिनका नाम है पाटीदार। वो काफी सारा इलाज कर रहे हैं लोगों का, पर इलाज करते हुए वो लोगों को, मरीजों को देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के कारण उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ रही है और ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण उन्होंने काफी ज्यादा प्रयास किया, अलग अलग चीजों में प्रयास किया और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा जुगाड़ ढूंढ ही निकाला जो कि काफी ज्यादा काबिले तारीफ है। जो एक मशीन रहती है जो कि हवा को अंदर खींचती है और ऑक्सीजन बना के वो बाहर डालती है, उन्होंने एक ऐसे जुगाड़ लगा लिया, एक ऐसी मशीन बनाई जिसको बनाने में उनको 20 से 25 हजार रुपए लगा। और उनका कहना ये है कि अभी कभी किसी मरीज को इमरजेंसी होती है, कुछ देर के लिए मैं इससे ऑक्सीजन देता हूं उनको और इमरजेंसी ऑक्सीजन देता हूं, जिसके कारण उनका एक्चुअली में ऑक्सीजन लेवल जो है थोड़ा हाई हो जाता है, थोड़ा वो एक्चुअली में बेटर फील करते हैं। और ये एक्चुअली में जो ये काम कर रहे हैं, ये काफी काबिले तारीफ काम है। अगर ये काम में लाया जा सकता है मशीन, तो सरकार ऐसे लोगों के ऊपर नजर क्यों नहीं डाल रही है? सरकार ऐसी चीजों को एक्चुअली में काम में क्यों नहीं लेके आ रही है? ये सवाल हम सरकार से पूछते हैं। क्या आप भी पूछना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।